गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों में बारिश के आसार, कई जगह सड़कें अभी भी बंद। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में तेज धूप खिली रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह से भी प्रदेश भर में हल्की धूप खिली है। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी और उमस से परेशान भी होना पड़ सकता है, लेकिन शाम को हल्की बारिश हो सकती है। झरना रेंज में पहली बार दिखा सफेद मोर, ट्रैप कैमरा से रखी जाएगी नजर। कार्बेट टाइगर रिजर्व की झरना रेंज में मोरों के झुंड में वन कर्मियों को एक सफेद मोर दिखाई दिया। वहीं वन अधिकारी इसे अनुवांशिक परिवर्तन मान रहे हैं। कार्बेट प्रशासन ने वन कर्मियों को मोर की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी झील में 52 दिन बाद आज से फिर शुरू होगी वोटिंग, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। उत्तराखंड में पिछले 52 दिन से वीरान पड़ी टिहरी झील में आज से रोमांच का सफर शुरू होगा। जिला प्रशासन ने झील में सशर्त वोटिंग गतिविधियां शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। वोटिंग करने आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी। शारीरिक दूरी के साथ ही वोटिंग क्षमता की 50% सीटों पर ही पर्यटकों को बैठाना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, सीएम तीरथ विधायक बनने का गवा चुके अवसर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनने का अवसर गवा चुके हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत राज्य में अब किसी भी सीट पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। बीते रोज पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवप्रभात ने भी उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और सरकार पर हमला बोला था। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को फिर संकट में डाल दिया है। मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचा कर्मकार कल्याण बोर्ड का विवाद। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सत्री निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल और श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के मध्य छिड़ा विवाद अब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। हालांकि दोनों के तल्ख तेवर बरकरार है। बोर्ड अध्यक्ष सत्याल ने श्रम मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सभी जानते हैं कि कौन कब कब किस शाखा पर बैठा है। साथ ही मंत्री पर झूठी बयानबाजी का आरोप भी जरा। रैनी में ग्लेशियरों की स्थिति का होगा आकलन। जीएसआई की केंद्रीय टीम पहुंचेगी ऋषि गंगा कैचमेंट। चमोली के रैनी क्षेत्र से निकली जल प्रलय के जख्म अभी भर नहीं पाए हैं और मानसून में यह पूरा क्षेत्र खतरे की घंटी बजा रहा है। नदियों के उफान पर आने से रैनी समेत विभिन्न सुदूरवर्ती गांवों पर निरंतर भूस्खलन व जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। इससे ग्रामीण दहशत में है और सिस्टम प्रकृति के रौंद्र रूप के आगे बेबस दिख रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रैनी क्षेत्र में हालिया भूस्खलन का सर्वे शुरू कर दिया है। दून में जांच 10,000 पार, संक्रमण दर रही 0.5%। कोरोना के लिहाज से सोमवार का दिन देहरादून के लिए बेहतर साबित हुआ। बीते 24 घंटे में यहां 10,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई और इसमें महज 60 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। संक्रमण दर भी करीब 0.5% रही। उत्तराखंड में चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए बनेगा प्राधिकरण। उत्तराखंड में स्थित सभी चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर, टाइगर सफारी आने वाले दिनों में प्रबंधन के मद्देनजर एक छतरी के नीचे आएंगे। इसके लिए जू अथॉरिटी बनाने की तैयारी है। वन विभाग इसका मसौदा तैयार करा रहा है। 3 माह के भीतर इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य की जू अथॉरिटी अस्तित्व में आएगी। बिना पंजीकरण टीका लगाने आए युवकों ने की चिकित्सक से मारपीट। टीकाकरण महाअभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फकोट नरेंद्र नगर की ओर से पूर्णानंद इंटर कॉलेज में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यहां 2 युवकों ने बिना पंजीकरण टीका लगवाने के लिए चिकित्सक पर दबाव बनाया। इनकार करने पर दोनों युवकों ने चिकित्सक के साथ मारपीट की। चिकित्सक की ओर से थाना मुनिकरेती में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नैनीताल में आज 16,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। नैनीताल जिले में सोमवार को शुरू हुआ वृहद टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गया। स्वास्थ्य विभाग ने 15,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, मगर 13,000 लोगों को ही टीका लगाया जा सका।
22 जून को भी 16,000 से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।